नमस्कार दोस्तों। देखिए, अब हम आपको क्लास 10 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जो कि क्लास 10 के एमपी बोर्ड के लिए हैं। वैसे मैं अभी आपको क्या यूनिट बाय यूनिट तो बताऊंगा, लेकिन क्या अभी अंक 5 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले मैं अंक 5 के बताऊंगा, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, बिल्कुल पूछे जाने वाले लायक हैं। तो इन क्वेश्चनों को अगर आपने याद नहीं किया है, फ्रेंड्स विद सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप जरूर याद कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत में, देखिए इसमें ओनली मैं 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें एक एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 5 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको वो चैप्टर वाइज चैप्टर मिलती जाएगी, जैसे कि ये मैंने चैप्टर 14 है आपको प्रजातंत्र में सब बाधक तत्व हैं, जो चैप्टर आपका 14 है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। देखिए, 2 क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए हैं आपको, लेकिन वो और क्वेश्चन भी हैं वो मैं नहीं लिख पाया, मैं बोल दूंगा उनको, आप अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उनको भी लिखकर बता दूंगा, ठीक है। क्या भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन करना है, तो पहला क्या जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होता है, और इस प्रकार आपके इसके अंदर ये टॉपिक है। फिर अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से याद रहे ना, तो फिर आप इसके अंदर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास है कि देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। और शहरों का ग्रामीण जनता के प्रभाव पर रोक, देखिए ये और ये सेम है, कुछ अलग नहीं है। जब हम देखिए शहरों की ग्रामीण, जब हम क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योग विकास करेंगे ना, तो शहरों की ओर तो हम वैसे ही नहीं जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे कॉमन है, ठीक है। यह फिर कहें एक दूसरे के ही हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग, तो हमें इसका ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर इस प्रकार मैंने लिख दिया, क्योंकि बिल्कुल इस प्रकार लिख दीजिए, वैसे भी सुल्तान से बिल्कुल सेम टू सेम लिखा नहीं जाता, ठीक है, और ना ही ये पूरा सेम टू सेम याद रहता है, ठीक है। पाँचवा है, क्योंकि 5 नंबर मुझे आएगा, तो 5 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसे ना व्यावसायिक शिक्षा बनाना बिल्कुल चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा, तो व्यावसायिक शिक्षा बना दी जाएगी। देखिए इसी में यहाँ पर लिखा है, बेरोजगारी समस्या के समाधान हेतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके उसे व्यवसायोन्मुख तथा विकास की आवश्यकता के अनुरूप बनाना चाहिए, ताकि शिक्षित युवक अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें, ठीक है। दूसरे फ्रेंड से मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि मादक पदार्थों के शरीर पर निम्न प्रभाव पड़ता है, या फिर ऐसी डेफिनेशन आप डाल दें। इसके बाद चलिए, फिर आपको एक पॉइंट लिखना होता है कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रकार लिख दीजिए, स्वास्थ्य पर इस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और फिर नेक्स्ट क्या रखेंगे कि मानसिकता कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता घट जाती है, ज़्यादा कार्य करने की शक्ति भी नहीं रहती, और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। सीधी बात है, जब आप मादक पदार्थों का सेवन करता है, जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, परिवार पर होने वाला व्यय नशे की भेंट चढ़ जाता है, और घरेलू झगड़े बढ़ जाती हैं, और हिंसात्मक आप जो भी लिखें। इसके बाद चौथा है कि दुर्घटनाएं, देखिए मादक पदार्थों के सेवन से दुर्घटना, झगड़े, चोरी आदि की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, समाज और देश में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वह कानून व्यवस्था बिगड़ती है। उसके बाद अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा, मादक पदार्थों की तस्करी से अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है, इससे शासन को मुश्किल होती है, ठीक है। ये भी देखिए, ये 2 इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, देखिए 2 को 1 2 और कर लीजिए, जैसे कि इस चैप्टर में है, एक जनसंख्या वृद्धि वाला है, आपको जनसंख्या वृद्धि वाला जरूर कर लेना है, ठीक है। क्या जनसंख्या वृद्धि वाला, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका भी बता दूंगा सॉल्यूशन, अगर आप कमेंट करेंगे, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, ठीक है, रोकने के उपाय। देखिए फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय और उसके जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, इसके आपको करना है, ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना है। देखिए वैसे तो इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आतंकवादियों का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो आए हैं, और देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन, इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, जैसे कि इस तरीके से याद करना है कि आप कभी भी भूलें ना, पेपर में बिल्कुल खटक लिखते जाएं। जैसे कि ये वाला हुआ, मैंने आपको मादक पदार्थों का बताया है, ठीक है, और इस पर साइड ये वाला बताया है, भारत में बेरोजगारी दूर करने को पाए, लेकिन बट ये जो जनसंख्या वृद्धि, ये भी अच्छी तरीके से कर लेना, लेकिन जो आतंकवादी वाला है ना, और ये वाला आप 2-3 बार पढ़ जाना, अगर कहीं बाई चांस आ गया ना, तो आप 5 नंबर में से कुछ ना कुछ तो लिखकर जरूर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बिल्कुल तैयार रखना अपना, ये क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र की तरह याद करना, और ये बिल्कुल ऐसे करना कि यहाँ पढ़कर जो वैसे सभी लोगों ने कर लिए होंगे, बट इनको जरूर अच्छी तरीके से कर लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, तो इनकी नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।